गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू पुलिस वाला क्लासेस। आज 16 सितंबर है। अब हम अपनी करंट अफेयर्स की क्लास स्टार्ट करते हैं। डेली की तरह पहले हम देख लेते हैं कि आज का क्वेश्चन क्या रहेगा आपके लिए। तो आज की क्वेश्चन है, यूएनओ के अध्यक्ष कौन है। ऑप्शंस है विलियम जोन्स, डेनिस पॉल, एंटोनियो गुटरस और इनमें से कोई नहीं। आप इसका आंसर अपने कमेंट बॉक्स के सेक्शन में दे सकते हैं। कल हम इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे कि यूएनओ के अध्यक्ष कौन है। जो कल हमने आपको क्वेश्चन दिया था कि नेक्स्ट G20 की अध्यक्षता कौन सा राष्ट्र करेगा, तो उसका राइट आंसर है ब्राजील। ब्राजील नेक्स्ट जो G20 का होगा उसकी अध्यक्षता करेगा। तो अब हम 16 सितंबर का इतिहास देख लेते हैं कि 16 सितंबर को आज तक के इतिहास में क्या क्या घटनाएं हुई हैं। तो 1987 में आज ही के दिन ओजोन परत को बचाने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर हुए थे। पपुआ न्यूगिनी ऑस्ट्रेलिया से आज़ादी हासिल की थी। ऑस्ट्रेलिया से द्वितीय विश्व युद्ध हांगकॉन्ग पर जापानी कब्जा आज ही के दिन समाप्त हुआ था। कुछ फेमस पर्सन जिनका बर्थ हुआ था, तो वो हैं 1916 में आज ही के दिन प्रसिद्ध भारतीय गायिका और अभिनेत्री MS सुब्बालक्ष्मी का जन्म आज ही के दिन हुआ था। अब हम देख लेते हैं कुछ फेमस पर्सन जिनकी आज के दिन डेथ हुई है। तो 1824 में फ्रांस के शासक लुई 18वें की डेथ आज ही के दिन हुई थी। 1977 में यूनानी सोप्रानो मौर्य कैलाश का निधन हुआ था। कुछ महत्वपूर्ण उत्सव और दिवस जो 16 सितंबर को मनाए जाते हैं, अब हम वो देख लेते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस आज ही के दिन मनाया जाता है। मलेशिया अपना स्थापना दिवस मनाता है आज के दिन। और जो पपुआ न्यूगिनी जिसको आज के दिन ऑस्ट्रेलिया से स्वतंत्रता मिली थी, वो अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। अब हम कुछ इंटरनेशनल न्यूज देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एयरफोर्स चीफ ने स्पेन में एयरबस डिफेंस एंड स्पेस कंपनी का कौन सा ट्रांसपोर्ट विमान सितंबर 2023 में रिसीव किया। तो जो विमान दोस्तों C-295 ये रिसीव किया गया भारतीय वायुसेना अध्यक्ष VR चौधरी के द्वारा। तो कौन है वायुसेना अध्यक्ष फिलहाल? वायुसेना अध्यक्ष हैं अभी VR चौधरी। और जो एयरबस कंपनी है दोस्तों, वो एक यूरोपियन कंपनी है जिसके साथ भारत ने टोटल 56 विमानों का करार किया है, जिसमें 16 विमान यूरोप से बन के आएंगे और जो 40 विमान है दोस्तों वो गुजरात के वडोदरा में टाटा कंपनी के द्वारा बनाए जाएंगे। तो टोटल ये करार 56 विमानों का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2023 में देश में खुदरा महंगाई की दर क्या रही। तो जो अगस्त 2023 में खुदरा महंगाई दर 6.83 रही, जो लास्ट मंथ के कंपेयर में कम है। लेकिन जो खुदरा महंगाई दर RBI के अकॉर्डिंग 2 से 6 के मध्य रहनी चाहिए, 6% के, तो अभी भी यह है थोड़ा ज़्यादा है। महंगाई दर 2% से कम ना हो और 6% से अधिक ना हो तो यह एक मॉडरेट महंगाई दर मानी जाती है। तो इस मंथ 6.83 रही है यह। नेक्स्ट है, भारत के ऐसे पहले स्पेसक्राफ्ट का नाम बताएं जिसने अंतरिक्ष से पहली सेल्फी ली है। तो जो ये दोस्तों आपने देख के पहचान लिया होगा, आदित्य L1 जो भारत का एक सोलर मिशन है। और वो कब लॉन्च हुआ था? यह 2 सितंबर को लॉन्च हुआ था। इसने अंतरिक्ष से अपनी पहली सेल्फी भेजी है। इसरो ने हाल ही में यह सेल्फी जारी की है। और इसरो के आदित्य L1 का उद्देश्य क्या है? तो यह है अंतरिक्ष से L1 पॉइंट पर स्थापित है दोस्तों। L1 जाकर L1 जो पॉइंट है जहां पे पृथ्वी और
सूर्य के मध्य ग्रेविटी लगभग जीरो हो जाती है, उस पॉइंट पे जाके रुकेगा और वहां से जो सूर्य के अंदर जो सोलर तूफान उठते हैं उनका इफेक्ट पृथ्वी पर क्या होता है इनकी स्टडी करेगा। तो यह सेल्फी आदित्य L1 के द्वारा ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात विधानसभा में किसने नेशनल ई विधान एप्लीकेशन का लोकार्पण किया है? तो ई विधान एप्लीकेशन का लोकार्पण दोस्तों राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा किया गया है। ई विधान का मतलब जो कागजी कार्य था वो समाप्त होके विधानसभा में अब सारा कार्य डिजिटल रूप में किया जाएगा। गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह जी का यह होम स्टेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एयरफोर्स चीफ ने स्पेन में एयरबस डिफेंस स्पेस कंपनी का कौन सा ट्रांसपोर्ट विमान 2023 में रिसीव किया? तो यह C-295, ये हमने ऑलरेडी पहले ही डिस्कस हम कर चुके हैं। किस देश में आयोजित युद्धाभ्यास ब्राइट स्टार 23 में इंडियन एयरफोर्स आर्मी और नेवी ने हिस्सा लिया? जो भी युद्धाभ्यास रहेंगे दोस्तों वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि लगभग सभी एग्जाम्स में एक क्वेश्चन युद्धाभ्यास से रिलेटेड पूछ लिया जाता है। जो ब्राइट स्टार 23 युद्धाभ्यास है यह मिस्र में आयोजित किया गया है। यह एक मल्टी नेशंस युद्धाभ्यास है, इसमें कुल 34 देशों की सेनाओं ने पार्टिसिपेट किया है। इसमें भारतीय थल सेना, वायुसेना और नौसेना तीनों ही सेनाओं ने पार्टिसिपेट किया। यह कुल 21 दिन का युद्धाभ्यास है और यह 16 सितंबर तक चला है। तो मिस्र के बारे में हम देख लेते हैं। मिस्र एक अफ्रीकी कंट्री है, इसका मैक्सिमम जो एरिया है वो अफ्रीका में है और कुछ भाग इसका एशिया में है। तो अफ्रीका के फिलहाल जो राष्ट्रपति हैं अब्दुल फतेह अल सीसी यहाँ के राष्ट्रपति हैं। और अगर हम नियर अबाउट कंट्रीज की बात करें तो वह इज़राइल फलिस्तीन और लीबिया इसके पड़ोसी कंट्रीज हैं, जिसमें हाल ही में तूफान की वजह से काफी जान माल के नुकसान हुआ है। तो ये इससे रिलेटेड कुछ मिस्र से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, संसद का विशेष सत्र सितंबर 2023 में कब शुरू होगा? तो जो संसद का विशेष सत्र है दोस्तों वो राष्ट्रपति के द्वारा आर्टिकल 85 के तहत कभी भी बुलाया जा सकता है। राष्ट्रपति आर्टिकल 85 का यूज करते हुए कभी भी स्पेशल सेशन या कोई भी सेशन बुला सकते हैं। आर्टिकल 85-2A के अकॉर्डिंग राष्ट्रपति कहीं पे भी संसद का सत्र बुला सकता है जहां सरकार सिफारिश करे। ये जरूरी नहीं है कि एक पार्लियामेंट में ही बुलाया जाएगा। तो संसद का सत्र आर्टिकल 85 के तहत बुलाया जाता है। तो अभी जो स्पेशल सेशन बुलाया गया है वो 18 से 22 सितंबर के बीच में बुलाया गया है। इसमें 17 सितंबर को जो नया पार्लियामेंट जो सत्र संसद है दोस्तों उसमें प्रधानमंत्री के द्वारा झंडारोहण किया जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम सरकारी जो इमारतें हैं उसके ऊपर झंडा फहराया जाता है। तो जो नए संसद भवन का यह फर्स्ट सेशन होगा तो 17 तारीख को प्रधानमंत्री के द्वारा यहाँ पे झंडारोहण किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में खतरनाक निपाह वायरस से 2 लोगों की मौत हो गई है और इसके बाद अलर्ट जारी हुआ है? तो जो हाल ही में दोस्तों निपाह वायरस है ये केरला में मिला है और इससे 2 लोगों की मौत हो गई है। तो केरला में कहाँ पे मिला है? कोझीकोड में यह मिला है और वहाँ पे कोझीकोड में आंशिक रूप से लॉकडाउन लगा दिया गया है। स्कूल कॉलेजेस और सरकारी ऑफिसेज वगैरह बंद कर दिए गए हैं और एहतियातन रूप से जो पड़ोसी राज्य हैं तमिलनाडु व कर्नाटका वहाँ पर आवाजाही कर रहे हैं जो लोग, उनको चेतावनी जारी की गई है।
अगर हम निपा वायरस की बात करें तो यह इसका जो फर्स्ट मामला था वो लगभग 25 वर्ष पूर्व मलेशिया में मिला था। मलेशिया में इसका फर्स्ट मामला मिला था और जो वहां का एक एरिया है निपा, वहां पे मिला था यह, तो उसी के नाम पर इसका नाम निपा वायरस पड़ा। यह मेनली ये कहा जाता है यह चमगादड़ से फैलता है, उसके बाद में यह पशु पक्षी मनुष्य हर जीव जंतु में फैल सकता है। इसकी जो संक्रामकता है वो एज कोविड टू कंपेयर कोविड से यह कम है, लेकिन जो इसका अब तक कोई भी हमारे पास इसका इलाज नहीं है, तो जो इसका डेथ रेशियो है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो इसलिए ये एक काफ़ी खतरनाक वायरस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पोर्ट से रिलेटेड हम क्वेश्चन देख लेते हैं। किसने 19 साल की उम्र में यूएस ओपन 2023 का खिताब अपने नाम किया है? तो जो 19 साल की कोको गाफ है दोस्तों, वो एक अमेरिकन टेनिस प्लेयर है, उन्होंने ये यूएस ओपन का खिताब अपने नाम किया है। काफी बार पूछ लिया जाता है कि ग्रैंड स्लैम वर्ड कौन से खेल से संबंधित है, तो जो ग्रैंड स्लैम वर्ड है दोस्तों वो टेनिस से संबंधित है। और ग्रैंड स्लैम में चार खिताब आते हैं, कौन कौन से? फ्रेंच ओपन, विंबलडन, यूएस ओपन और ऑस्ट्रेलिया ओपन, इन चारों को मिला के हम ग्रैंड स्लैम बोलते हैं। और जो यूएस ओपन 2023 का मेंस का खिताब वो किसके द्वारा जीता गया है? यह सर्बिया के नोवाक जोकोविच के द्वारा जीता गया है दोस्तों। नोवाक जोकोविच फाइनल जीतने के साथ ही स्पेन के कार्लोस अलकराज को वर्ल्ड नंबर वन रैंकिंग से हटाकर फिर से वर्ल्ड नंबर वन बन गए हैं। तो इन्होंने 19 साल की उम्र में अब ये खिताब अपने नाम किया है। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।